बसमिल्लर शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है असलात वसलाम का या या रसूल व आला आली का वाहबि का या नबी अल्लाह लाखों करोड़ों मेरे का ताजदार मदीना वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाजरीन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज हराम का चांद नज़र आ जाएगा ये हमारे इस्लामी साल का पहला महीना पहला दिन होगा जो शख्स अपने नए इस्लामी साल का आगाज अल्लाह इज़्ज़त के जिक्र के साथ करेगा तो फिर अल्लाह इज़्ज़त उसको पूरा साल उसके घर में उसके कारोबार में रिजक आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसा देंगे फिर इनशा पूरा साल उसके घर से रिजक ख़त्म नहीं होगा उसके घर में तंग दस्ती नहीं आएगी फाका नहीं आएगा और दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी बस फिर इस अमल को लिख कर रख लें और जब हराम का चाँद नज़र आए तो फिर आप चाँद को देख कर ये अमल कर लें या यक मुहर्रम को कर लें नहायत ही कीमती अमल बता रहा हूँ जैसे ही चांद को देख कर आप ये अमल करेंगे और दिलो दमाग़ में हमारे प्यारे अहल बैत की कुर्बानियों को याद करते हुए कि आप प्यारों ने हमारे लिए अपना बच्चा बच्चा राय हक में कुर्बान कर दिया महर्मुल हराम का चांद हमारे दिलों में अहल बैत और हमारे प्यारे सैद न हजरत इमाम हुसैन आलामाम और प्यारी बीबी जैनब सलामल आल और हमारे प्यारे सैदा इमाम जैनद्दीन और सैद हज़रत इमाम अली असगर असलम और तमाम अहल बैत की इश्क की आग हमारे दिलों में इश्क की आग और भड़क जाती है और हमारा अक़दा अहल बैत से मोहब्बत और मजबूत हो जाता है जो बंदा अहल बैत का तसवर रखते हुए इस अमल को पढ़ लेगा तो फिर इन ताला मेरा रब ताला उसकी उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाएंगे और वो दुआ फ़ौर ही कबूल मंजूर होगी और आपके तमाम काम बन जाएंगे आज अल्लाह रबुल्जत से मांगने का दिन है मांग लीजिए आज रब्बुल रब्बालमीन हमारे नबी करीम हजूर सैदरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसल्लम का और हमारे प्यारे सैदरत इमाम हुसैन रलातम का और तमाम अहल बैत का सदका बाँट रहे हैं तो फिर जल्दी से अहल बैत से दिल लगा कर अल्लाह रब्ल से अपनी झोलियाँ भरवा लीजिए बड़ा बंगला चाहते हैं बड़ी गाड़ी चाहते हैं इज़्ज़त वकार और शोहरत चाहते हैं और माशरे में अपना मुकाम पैदा करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि जो आपको देख कर मुँह फेर ले इस अमल की बरकत से वही आपको उठ कर सलाम करेगा आज जो बे बे घर हैं और कराए के मकानों में रहते हैं और नौकरी नहीं मिलती नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं रिश्तों की या फिर कारोबार की बंदिश है और घर में परेशानियाँ लड़ाई झगड़े हैं या फिर जादू जन्नात आसेब ने आपको घेरा हुआ है तो फिर अपने हर जायज़ मकासद के लिए इस अमले मुबारक को ज़रूर कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ पंद्रह मिनट का ये वजीफा पढ़ कर मोज़ा अपनी आँखों से देखें आपने अव्वल आखर दरूद इब्राहिमी तीन तीन मरतबा पढ़ना है और फिर आपने एक सौ ग्यारह मरतबा अल्लाह रबुलाज़त का प्यारा सफाती नाम ाती नामसमद पढ़ना है और इसके बाद फिर आपने तीन मरतबर इब्राहिम पढ़ना है लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ एक बात ज़रूर याद रखिएगा अमल के दौरान अहल बैत को तस्वुर में रखना है और उनके वसीले से अल्लाह रब्ल से मांगना है फिर इन शमल पूरा होने से पहले पहले अगर आप फकीर हैं तो करोड़पति बन जाएंगे, दौलत और रिजक का तूफान आ जाएगा आज जिस जिसकी किस्मत नहीं बदल रही है इन शाह अपनी किस्मत को बदलते हुए खुद अपनी खुली आँखों से देखेंगे बहुत पावरफुल और मुजरब अमल है इस अमले मुबारक को ज़रूर कीजिए कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा जजाकल्ला